हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रविंद्र है और आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग या फिर प्रोडक्ट टू चेंज प्रोडक्ट क्लीनिंग के बारे में। यानी आसान भाषा में बोला जाए तो सेम प्रोडक्ट क्लीनिंग या फिर फुल क्लीनिंग या फिर प्रोडक्ट चेंज क्लीनिंग। अब इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है, मैं इसके लिए इसमें वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। बहुत से पर्सन्स बोलते हैं कि सर आपने बोला है कि टाइप ए क्लीनिंग में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होता है या प्रोडक्ट चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, ये वेरी करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे। बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं कि यदि चेंज प्रोडक्ट आया तो उसको बोलते हैं भाई ये टाइप बी क्लीनिंग है, और बहुत सी कंपनियां बोलती हैं कि टाइप ए क्लीनिंग है। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो हम इसको अगर आसान भाषा में समझना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट चेंज क्लीनिंग या फुल क्लीनिंग। अब प्रोडक्ट चेंज के टाइम पे जो क्लीनिंग करते हैं और जो सेम प्रोडक्ट या टाइप ए टाइप बी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में उसको जो भी बोलते हो, यानी सेम प्रोडक्ट क्लीनिंग और प्रोडक्ट चेंज क्लीनिंग, ये दो टाइप की क्लीनिंग है और दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है। पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट चेंज क्लीनिंग की। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट चेंज क्लीनिंग हम जब करते हैं, जब हम प्रोडक्ट जो है उससे कुछ दूसरे प्रोडक्ट को लेने वाले हैं। मान लीजिए मैंने एक एक्स प्रोडक्ट बनाया, कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद मुझे एक वाई प्रोडक्ट यूज़ करना है, यानी वाई प्रोडक्ट को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है या पैकिंग करना है। तो उसके लिए हमें जो क्लीनिंग है उसकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी, और जो एक्स प्रोडक्ट के बाद हमें नेक्स्ट एक्स प्रोडक्ट ही लेना है, उन दोनों की रिक्वायरमेंट के पॉइंट चेंज रहेंगे। अब क्यों ऐसा करते हैं हम वो भी जानेंगे, लेकिन चलिए हम सिक्वेंस में चलते हैं ताकि आपको सारी बातें बड़ी आसानी से समझ में आएँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं यह एक इंटरव्यू का भी बहुत ही मेजर पॉइंट है। यदि आप फार्मास्यूटिकल किसी इंडस्ट्री से में इसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे सबसे ज़्यादा यदि कुछ पूछा जा सकता है तो वो है क्लीनिंग प्रोसीजर। क्यों करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं, बस यही क्वेश्चन रहेंगे। मतलब अराउंडिंग जितने क्वेश्चन हैं सब घूमेंगे वही टाइप ए या टाइप बी या फिर प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट क्लीनिंग या प्रोडक्ट चेंज क्लीनिंग के ऊपर। और हम पहले बात कर रहे हैं प्रोडक्ट चेंज क्लीनिंग की। अब इसके पॉइंट्स अलग क्यों होते हैं सेम प्रोडक्ट क्लीनिंग से? तो फ्रेंड्स, जो फुल क्लीनिंग बोलते हैं या फिर जैसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट चेंज क्लीनिंग, अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए कि मैंने कोई एक्स प्रोडक्ट पहले चलाया है, अब मुझे वाई प्रोडक्ट लेना है। तो एक्स प्रोडक्ट में जो ड्रग है और वाई प्रोडक्ट में जो ड्रग है दोनों समान नहीं है। दोनों में जो भी एपीआई यूज़ किया गया है, जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी उनके अंदर केमिकल्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट हैं, दोनों की अलग हैं। अब होगा क्या, मान लीजिए कि मैंने एक मेडिसिन, जो एक्स मेडिसिन है वो फीवर के लिए और जो वाई मेडिसिन है वो शुगर के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए। तो होगा क्या, जिस पर्सन को एक नॉर्मल प्रॉब्लम था फीवर का, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती, मतलब आपके नॉलेज में नहीं है, और आप उसको शुगर की मेडिसिन दे दें तो क्या होगा? होगा ये नतीजे ये निकलेंगे कि उस पर्सन को जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, साइड में सेकेंड प्रॉब्लम भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। मतलब पहले तो उसको सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉब्लम थी, लेकिन जब आपने मेडिसिन दी तो कुछ नई प्रॉब्लम होने लग गई। तो इसके ये जो इंसिडेंट मैंने बताया, इस इंसिडेंट्स में किसी भी पर्सन की जान भी जा सकती है। सीधी सी बात है, कुछ किसी को चाहिए कुछ, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट किसी और प्रोडक्ट के रिलेटेड है और आप उसको कुछ और दे रहे हो, वो तो वैसे ही हो गया कि सर दर्द यहाँ हो रहा है और आप घुटनों में मेडिसिन दे रहे हो, तो क्या होगा? सर दर्द तो सही नहीं होगा, हो सकता है कि इधर भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए फार्मा में सबसे ज़्यादा क्लीनिंग पर कॉन्सेंट्रेट यानी ध्यान दिया जाता है। तो अब आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा कि फुल क्लीनिंग में हम इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि बाय मिस्टेक प्रीवियस प्रोडक्ट जो है उसका कोई लिफलेट, कार्टन, कंटेनर, टैबलेट, डस्ट यहाँ की कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके एरिया में। इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस के साथ चेक करते हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ मिल जाता है, उस टाइम पे क्या होगा? तो
तो फ्रेंड्स उस टाइम पे कुछ नहीं होगा, क्यूए पर्सन आपको डेविशन दे देगा। डेविशन का मीनिंग होता है कि आपने एसओपी या सिस्टम को डाइवर्ट किया है, एक नेक्स्ट रूट पे ले जा रहे हो, जिसका इम्पैक्ट यदि प्रोडक्ट की क्वालिटी पर पड़ता है तो आपको सम्मानपूर्वक टर्मिनेट किया जा सकता है। अब मैंने यहाँ पे जो टर्मिनेट बोला और जो मैंने एक वर्ड यूज़ यहाँ पे किया है डेविशन, फ्रेंड्स हम इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यदि मैं इस टॉपिक पे जानने की कोशिश करूँगा तो ये वीडियो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। वैसे भी मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बड़ा ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी तो हमने समझा है कि फुल क्लीनिंग क्या होता है, अब हम बात करेंगे सेम प्रोडक्ट क्लीनिंग। अब सेम प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये इसको बोलते सेम प्रोडक्ट क्लीनिंग या प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग। इसमें क्या होगा, इसमें होगा मान लीजिए पहले आपने एक्स प्रोडक्ट को बनाया, सेकंड आप जो प्रोडक्ट लेने वाले हैं वो भी आपका एक्स प्रोडक्ट है। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगा, मान लीजिए कि जो पहले हम प्रोडक्ट ही पैक कर रहे थे उसी प्रोडक्ट का कुछ ड्रग टेबलेट पाउडर लाइन पर रह गया, लाइन का मीनिंग होता है यहाँ एरिया से, आपके एरिया में रह गया, होगा क्या जब नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट किया और वो पाउडर टेबलेट या जो भी ड्रग है वो गलती से पैक हो गया। ये भी रॉन्ग है, क्यों, अब ठीक है उसको लेना तो एक्सी था, उसको मिला भी एक्सी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमने जो पहले बैच को कंप्लीट किया उस बैच की एक्सपायरी और हमारे सेकंड बैच की एक्सपायरी तो डिफरेंट होंगी ना। मतलब अगर हम जो फर्स्ट पहले हमने बैच बनाया वो भी एक्स बनाया, इसको हम डिफाइन करते हैं एक्स वन और एक्स टू से। मान लीजिए पहले हमने एक्स वन को पैक किया, अब एक्स वन में क्या होगा और एक्स टू, दोनों में ड्रग सेम है, प्रोडक्ट सेम है, हमारी पैकिंग सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें यदि कुछ चेंज होगा तो वो होगा इसकी एक्सपायरी डेट। हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है मान लीजिए उसको 3 मंथ पहले कंप्लीट होना था यानी एक्सपायर होना था, और जो सेकंड है उसको 3 मंथ बाद होना था। अब हुआ क्या कि एक्स वन के कुछ टैबलेट या कुछ ड्रग हमारे एरिया में मौजूद रहा जो कि हमने गलती से रीपैक कर दिया हमारे एक्स टू प्रोडक्ट में। अब हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के लिए डिफाइन करेंगे जो एक्सपायरी 2 ईयर की है मान लीजिए, लेकिन उसके प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट ड्रग है वो तो एक्सपायर 3 मंथ पहले ही हो गया। अब यदि किसी हम पर्सन को एक्सपायर मेडिसिन बेचेंगे तो क्या वो ठीक है, वो भी आपकी हेल्थ के लिए इंजर्ड हो सकता है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन अब इसमें सिनेरियो चेंज हो गया, इसमें क्या चेंज हो गया कि हमारा जो वाई प्रोडक्ट था और एक्स प्रोडक्ट था इसमें तो टोटल चेंजेस था, इसमें सिर्फ एक्सपायरी जैसा माइनर, मतलब प्रॉब्लम ये भी मेजर है लेकिन उससे डिफरेंट है। इसके लिए इन दोनों क्लीनिंग को अलग अलग डिफाइन किया गया। अब यदि आप बोलेंगे सर अगर ऐसा है तो हम क्यों नहीं सब में ही फुल क्लीनिंग कर लेते हैं, हम एक्स टू वाई में जाएंगे तो फुल क्लीनिंग करेंगे और वाई टू वाई या एक्स टू एक्स में यदि हम जाते हैं तो भी फुल क्लीनिंग कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स ये भी अच्छा है आप कर सकते हो, लेकिन हम जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं हमें उस प्रोडक्ट पर अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी, कंपनी का जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है वो भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि हम सारे प्रोडक्ट में फुल क्लीनिंग करने लग जाएंगे, अब हमारा जो फुल क्लीनिंग का क्राइटेरिया है या जो भी उसके बिंदु हैं या पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगे कंपेयर टू सेम प्रोडक्ट के। अब मान लीजिए कि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी मैं पूरा जो भी इक्विपमेंट उसको पूरा डिसमेंटल करके फुल क्लीनिंग कर रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, टाइम जाएगा। मान लीजिए कि हमारा सेम टू सेम प्रोडक्ट में 30 मिनट टू 40 मिनट का टाइम जा रहा है, लेकिन जब हम बात करेंगे फुल क्लीनिंग की तो इसमें जो टाइम हमारा जाएगा वो जाएगा 4 आवर्स, 3 आवर्स या 8 आवर्स एज पर योर कंपनी की रिक्वायरमेंट कि आपकी चेक लिस्ट में कितने पॉइंट दिए हैं, आपको कितने पॉइंट कंप्लीट करने हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर कंपनियाँ दो टाइप की क्लीनिंग क्यों रख देती हैं, एक होता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग, होता है प्रोडक्ट चेंज प्रोडक्ट क्लीनिंग, या जिसको बोलते हैं फुल क्लीनिंग और सेम प्रोडक्ट क्लीनिंग। आई होप कि आपके ये डाउट क्लियर हुए होंगे।
यदि आपका कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ओके, और नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें, और हम जो नए नए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं उसको आपको प्रॉपर आपके साथ उस नॉलेज को साझा कर सकें। सो फ्रेंड, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ओके।